I'm in the Cayman Islands, wildin' while I'm busting up the silence. I'm denying all vaginas. Welcome to Mayank Kennel. जैसा कि आप जानते हैं, मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं अमेरिकन बुली और बहुत सारी स्पेसिफिक ब्रीड के बारे में बताऊं। तो मैं आज, ये मेरा पहला एपिसोड है और आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने अमेरिकन बुली माइक्रो। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 4 महीने का पपी है। थोड़ा नर्वस है क्योंकि हाइट पे है, तो इसलिए थोड़ा अभी नई जगह है और अभी मैंने इसको टेबल पर बिठाया, तो थोड़ा नर्वस है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 4 महीने का पपी है। इसकी 3 वैक्सीनेशन हो रखी है और ये है रियल माइक्रो। अमेरिकन बुली में 4 साइज होते हैं। ये पहला है माइक्रो, दूसरा पॉकेट, तीसरा स्टैंडर्ड और चौथा एक्सेल। और हम आज बात कर रहे हैं माइक्रो की। मैं आपको बता दूं कि इंडिया में बहुत सारे ब्रीडर और ट्रेडर बात करते हैं कि हम डबल एक्सेल बेच रहे हैं, बट ऑन अ वेरी ऑनेस्ट नोट, भारत में डबल एक्सेल है ही नहीं, ठीक है। भारत में केवल एक्सेल है। और डबल एक्सेल की बात करें अगर, तो डबल एक्सेल को हम कहते हैं हल्क साइज, जो कि केवल US, नॉर्थ अमेरिका और इंडिया के बाहर पाया जाता है। भारत में केवल एक्सेल है। तो ये एक जो कि गलतफहमी थी लोगों को, वो मैं दूर कर देता हूँ उस वीडियो के माध्यम से। चलिए, तो हम बात करते हैं वापस अमेरिकन बुली माइक्रो की। अमेरिकन बुली की ओरिजिनिटी क्या है, अमेरिकन बुली बना कैसे, मैं आपको बताता हूँ आज। अमेरिकन बुली बना कुछ ब्रीडों को मिक्स करा के। पहला अमेरिकन पिटबुल टेरियर, दूसरा अमेरिकन शेफर्ड शायर। ये 2 ब्रीड थी और भी कुछ बुली मिक्स की गई, फिर इस ब्रीड का विस्तार हुआ, ये ब्रीड बनाई गई। तो बेसिकली ये ब्रीड 2 ब्रीडों से बनी है और भी इसमें 1-2 ब्रीडों का योगदान है, जैसे कि मैंने आपको बताया अमेरिकन पिटबुल टेरियर और अमेरिकन शेफर्ड शायर, ठीक। दूसरी बात, अमेरिकन बुली के पेपर्स नहीं होते, अमेरिकन बुली को KCI रिकॉग्नाइज नहीं करता, ठीक। ये सब बातें मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स को चीट किया जाता है कि हम आपको पेपर्स देंगे, हम आपको KCI के पेपर्स देंगे, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। कोई भी अगर आपको पेपर मिलेंगे तो केवल मिलेंगे अमेरिकन स्टैफोर्ड शायर को, इसी को KCI स्टैंड फॉर कैनल क्लब ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है। सॉरी, मैं थोड़ी फॉर्मल बातें कर रहा हूँ। तो अमेरिकन बुली माइक्रो का साइज़ होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, अमेरिकन बुली माइक्रो का साइज़ होता है 7 से 11 इंच, ठीक है। आज हम केवल माइक्रो की बात करेंगे। ये पपी है, 4 महीने का पपी है। आप इसका बोन साइज देख सकते हो, इसका हेड देख सकते हो। इसकी हाइट ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगी, बट इसकी विड्थ बढ़ेगी। ये थोड़ा चौड़ा होगा आगे से और हाइट इसकी केवल 11 इंच तक ही रहेगी, ठीक है। आप मुझे इस नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। 2 बातें मैं फिर आपको रिपीट करना चाहता हूँ कि अमेरिकन बुली, अमेरिकन पिटबुल के पेपर्स नहीं होते, कैनल क्लब ऑफ इंडिया इन्हें रिकॉग्नाइज नहीं करता, ठीक। तो कोई भी अगर आपसे कहे कि हम आपको पेपर्स देंगे, तो वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अमेरिकन बुली के 4 टाइप्स होते हैं, अमेरिकन बुली माइक्रो, पॉकेट, स्टैंडर्ड और डबल एक्सेल, एक्सेल, ठीक है। डबल एक्सेल भारत में नहीं मिलता, ठीक है। और दैट्स इट, मुझे आपको यही बताना था। काफ़ी सारी क्वेरीज थी इसे लेकर कि मैं अमेरिकन बुली के बारे में बताऊं। ये मेरा पहला एपिसोड है यूट्यूब का, तो मे बी मैंने अच्छे से आपको नहीं बताया होगा, उसके लिए माफ़ी। कमेंट्स करके बताइए कि आपको दूसरा वीडियो किस पे देखना है, मैं उस पे काम करूँगा और एक अच्छे विजुअल के साथ मैं दूसरा एपिसोड लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। I'm in the Cayman Islands, wildin' while I'm bustin' up the silence. I'm denying all vaginas.